अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश दोस्तों, जो DLED का एडमिशन का प्रोसेस है वो इसी वेबसाइट से होता है। यूपी DLED एडमिशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले 27 जून 2024 तक की क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है सामने, जी हाँ उसको हम देखेंगे। आप लोग के जो भी प्यारे से कमेंट्स हैं, हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा, जो भी बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक है, वीडियो को जो बच्चे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और देख सकते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो सवाल है ना, कि यूपी से DLED कर सकेंगे देश भर के छात्र। यहाँ से दोस्तों मामला थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि इस साल 2024 में अभी तक आवेदन की प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि इस बार दोस्तों बदलाव की बारी है। ठीक है, इतने सालों से दोस्तों जो यूपी DLED में एडमिशन हो रहा था, हर बार एक ही चीज कॉपी पेस्ट कर दी जाती थी, जो ये नोटिफिकेशन था इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता था। यहाँ पर 2023 लिखा, इसी को दोस्तों 2024 करके पब्लिश कर दिया जाता था। लेकिन इस बार ये क्या कर रहे हैं कि इस बार जो निवास है ना, यहाँ पर ये नियम था कि पहले यूपी के बाहर के छात्र यूपी में आवेदन नहीं कर सकते, साफ साफ दोस्तों लिखा था यहाँ। ये देखिए दोस्तों, पहले इस कंडीशन को हम आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस बार की जो मेरिट है वो हाई क्यों जा सकती है, पिछली बार से ज्यादा मेरिट कैसे जा सकती है, जरा देखते हैं। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर आप जारी नहीं करेंगे, मतलब निवास नहीं देंगे, तो क्या होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात लिखी थी यहाँ पर लास्ट लाइन में। लेकिन दोस्तों इस बार न्यूज़पेपर के माध्यम से एक अपडेट आती है हमारे सामने कि यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का निवासी होने की बाध्यता समाप्त करने की तैयारी, इसी सत्र से डीएलएड प्रवेश के नियम में बदलाव करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक और दोस्त हम लोग बदलाव की उम्मीद करते हैं, जो हमारी EWS कैटेगरी होती है, अगर इसको आरक्षण दिया जाता है तो पूरी तरीके से दिया जाए। जैसे दोस्तों शैक्षिक अर्हता में एक बात लिखी गई है, क्या लिखा गया जरा देखिए। यहाँ पर पहला बिंदु, डीएलएड प्रशिक्षण 2023 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, जिनकी स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक स्वयं के आश्रितों को न्यूनतम, ठीक है, अंकों में 5% की छूट मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर की बात नहीं लिखी गई है, EWS में छूट की बात नहीं लिखी गई है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। ठीक है ना, तो कुल मिला के अब आप धीरे धीरे कुछ बातों को समझ रहे होंगे कि इस बार कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप लोग के सीधे कमेंट्स में आते हैं और एक एक कमेंट का आंसर किया जाए। पहला सवाल बच्चे का क्या है, सर मैं OBC से हूँ, ठीक है, मेरा 240 नंबर बन रहा है, क्या मुझे डायट कॉलेज मिल जाएगा? देखिए भाई, अगर आप 240 नंबर के बाद भी अगर आपको डायट ना मिले ना, तो क्या मतलब है, ठीक है ना, आपको तो 99% आपको डायट कॉलेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस बच्चे को तो भाई डायट में पक्का हो गया एक सीट। सर एग्जाम कब तक होगा प्लीज़ बताइए। ये वो बच्चे हैं जो बच्चे DLED कर रहे हैं पिछले वर्षों से, ठीक है ना, तो पेपर हमारा जुलाई में जा सकता है। ठीक है सर, स्कॉलरशिप नहीं आता OBC वालों का? देखिए कुछ बच्चों को आता है, कुछ बच्चों का नहीं आता। देखिए स्कॉलरशिप आपके ग्रेजुएशन में कुछ बच्चों का आया होगा, कुछ बच्चों का नहीं आया होगा, तो इसकी कोई गारंटी कहीं पर नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना है। सरकारी वाले अगर सही से काम करे तो वहाँ भी बहुत है, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, सर फॉर्म कब आएगा? देखिए अब हमें लगता है कि जो हमारा DLED आवेदन की प्रक्रिया होगी वो जुलाई में शुरू हो सकती है, और जिन भी बच्चों का ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम चल रहा है या दोस्तों एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट का वेट हो रहा है, तो जल्द से जल्द जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप आवेदन के पात्र भी नहीं है। अगला सवाल, सर आप बिहार स्टूडेंट्स को, ठीक है, निवासी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हम लोगों को तो बनवा लिए हैं, अब सरकार वैलिड कर दे अदर स्टूडेंट्स के एडमिशन कीजिए के लिए, मतलब तो हम लोग क्यों बिहार में कोई वैकेंसी में फिल नहीं कर सकते हैं यूपी का आवासीय सर्टिफिकेट बनवाने के बाद? देखिए एक बात आपको बता दें, कोई भी बच्चे को अगर यूपी में एडमिशन मिलता है या यूपी के बच्चे, एक आपको बात बताना चाहेंगे, कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है, अभी दोस्तों बिहार में वैकेंसी आई थी शिक्षक भर्ती 79943, एक ये बड़ी वैकेंसी तकरीबन 80,000 पद, ठीक है, तो वहाँ पर भी यूपी के बच्चों को मौका दिया गया था, यूपी के बच्चे
अदर स्टेट में काउंट होते हैं, ठीक है, यूपी के बच्चे हो, झारखंड के हो, कहीं के भी हो, ठीक है ना, सबको मौका मिलता है। लेकिन जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाता है, अनारक्षित वर्ग में, ठीक है ना। तो वैसे दोस्तों जब यूपी में डीएलएड का एडमिशन होगा तो अदर स्टेट के बच्चों को हो सकता है कि उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाए, भले कोई बच्चा एससी कैटेगरी का क्यों ना हो, लेकिन उसको यूपी में एससी का लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, जो बच्चे यूपी के हैं आप लोग को पूरा आरक्षण का फायदा मिलेगा, चाहे दोस्तों आपके पास कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो। अगर आप जनरल के यूपी में, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट होगा, नहीं है तो आप ओबीसी के रखे होंगे, एससी के रखे होंगे, एसटी के रखे होंगे, इतनी कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। तो बाकी आरक्षित सीटें आपके लिए रहेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी नियम बने। सर डीएलएड का फॉर्म कब निकलेगा? मेरी हाई स्कूल में 90%, इंटर में 89.89 और बीए में 91.90, ये है, देख सकते हैं दोस्तों, ये नंबर है कि भाई कितना गजब का है, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से तो बच्चे के लगभग 270 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 90 90 91 के हिसाब से तो गजब के परसेंटेज हैं। तो ऐसे बच्चे को क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? 100% मिल जाएगा आप लोगों को, तो भैया गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही है, ठीक है ना। सर मैं यूके से हूँ, क्या हो जाएगा एडमिशन? जी हाँ, यूके मीन्स उत्तराखंड। तो अब जब से अदर स्टेट के बच्चों को मौके की बात रखी गई है तो अब सबका एडमिशन हो सकता है, लेकिन अभी दोस्तों आपको जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। जब तक दोस्तों डीएलएड 2024 का विज्ञापन नहीं आ जा सकता एडमिशन का, तब तक वेट कर लीजिए, ठीक है ना। न्यूज़पेपर की बातें आती हैं, वो चेंज भी हो जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान हम रखेंगे, ठीक। अब चलिए अगला देखते हैं। मैसेज सर ये कंफर्म है कि बिहार वाले का एडमिशन होगा, मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में भी? देखिए दोस्तों बिल्कुल आराम से आप लोग को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन एक नोटिफिकेशन का वेट करिए, अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से ही कटिंग है हमारे पास, जब तक ऑफिशियल ना जाए तब तक थोड़ा सा दिक्कत रहती है। फॉर्म आएगा? जी हाँ दोस्तों, कब तक आएगा देखते हैं। सर जी अभी एडमिशन हुआ है कि नहीं, पहले ही करा रहे हैं? देखिए दोस्तों ये वो बच्चे हैं जो डीएलएड 2024 में एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है ना, जो हम लोग एग्जाम की बात करते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर की, वो दोस्तों आपकी बात नहीं हो रही है, वो बात होती है डीएलएड 2023, पिछले सालों में बच्चों ने एडमिशन लिया ना उनका पेपर की बात हो रही है, भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। सर मेरा ईडब्ल्यूएस ऐड करने के बाद 225 नंबर जनरल से हूँ, मुझे कॉलेज मिल जाएगा? जी हाँ, चांस बन सकता है आपका गवर्नमेंट का। सर जी अगर कोई कैटेगरी में है और उसके यूजी में मतलब ग्रेजुएशन में 45% से भी कम हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में इससे ज़्यादा हो तो एडमिशन मिलेगा? देखिए जो अभी यूपी डीएलएड में एडमिशन का प्रोसेस है ना, उसमें आपके हाई स्कूल के नंबर, 12वीं के नंबर, ग्रेजुएशन के नंबर ही रखे जाते हैं, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा मामला फंस जाता है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे, सोशल मीडिया की अफवाह से भी आपको बच के रहना है। होता है कि आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चलती हैं जिसके बाद आप कन्फ्यूजन में आते हैं। सर मेरा 210 नंबर है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? नहीं, 210 नंबर पे मुश्किल है, बीए में 50% है तो क्या मैं डीएलएड कर सकती हूँ? देखिए एक बात आपको बता दें, 50% है तो आप कर सकते हैं, चाहे जनरल से हो चाहे आरक्षित वर्ग में हो, लेकिन हाँ अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 49.9 भी है ना, तो दिक्कत में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर नंबर मांगा जाता है, जब आप नंबर फिल करते हैं तो जो इनकी वेबसाइट होती है वो एक्यूरेट परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेती है। सर बीएड वाले में भी बिहार के स्टूडेंट्स को जनरल में ही रखा जाएगा ना? तो वो एक अलग मैटर है, उसको हम नहीं देख रहे अभी, हम लोग यूपी डीएलएड की बात कर रहे हैं। सर मेरा 218 नंबर है, ओबीसी से हमें डायरेक्ट कॉलेज मिल सकता है? जी बता दें आपको 225 नंबर मिनिमम आज की डेट में होना चाहिए, क्योंकि अब ये दोस्तों पूरे देश भर के छात्रों को अगर मौका देंगे तो 225 नंबर भी कम लग रहा है हमें, ठीक है ना, फिर मेरिट काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। यूपी डीएलएड के प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी होती है दोस्तों? पहले साल आपको 41,000 और दूसरे साल भी 41,000, टोटल मतलब आपको 82,000 मतलब 82,000 देना पड़ेगा। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल और एग्जामिनेशन फॉर्म फीस अलग है, तो ये मान के चलिए 2 साल में लगभग आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च फीस पर आएगा, ठीक है। सर ये 10/1/2000 इसका आय जाति निवास चल सकता है? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज में बात कर लेंगे, इसकी दिक्कत नहीं होती, इसकी टेंशन मत लीजिए अभी। सर गूगल पे तो 15 जून से दिखा रहा है और लास्ट डेट 7 जुलाई है। एक बात आपको बता दें, देखिए डीएलएड में एडमिशन इस समय हर राज्य में लगभग हो रहा होगा, चाहे दोस्तों कहीं पर भी डीएलएड हो रहा होगा, हो सकता है राजस्थान में हो रहा हो, सकता है बिहार में हो रहा हो, हम लोग सिर्फ यूपी डीएलएड की बात करते हैं, याद रखिएगा यूपी डीएलएड, ठीक है।
उसका लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में दे दे रहे हैं, वहां पर आप लोग जाकर चेक करेंगे। और देखिए डीएलएड हो रहा है कि नहीं, फिलहाल अभी उस पर हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, तो ये बात आप जरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें दोस्तों, बाकी जो भी अपडेट्स आएगी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट वन, यही पर आपका ग्रेजुएशन का नंबर मांगा जाता है, इसीलिए दिक्कत होती है कि ग्रेजुएशन के रिजल्ट के बिना आप आवेदन नहीं कर पाते हैं। पे अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस या रीप्रिंट ये सब बातें, तो लगभग 700 रुपये आपको आवेदन करने की फीस देनी पड़ सकती है, फिर ये सब बातें, ठीक है। तो आपका दोस्त जो रिजल्ट आता है, सबसे पहले जब आप लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं तो स्टेट रैंक आती है, रैंक आपकी पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 20,000 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 3 लाख हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। चॉइस स्टेप जनरेट ओटीपी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें चलिए आप लोग आराम से कर लेंगे। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रह, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें होती रहती है ना, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए एक बात आपको बता दें, आपको दो तरह के कॉलेज मिलते हैं डीएलएड में, एक तो डायट कॉलेज है, दूसरा आपका प्राइवेट कॉलेज है। डायट कोई दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सरकारी कॉलेज, ठीक है। सरकारी कॉलेज की फीस 1 साल की होती है 10,200, प्राइवेट की 41,000। अब देखिए जो सरकारी, देखिए दोनों जगह आपको रेगुलर क्लासेस करनी पड़ती हैं, रूल यही है, लेकिन आप सरकारी कॉलेज में तो आपको जाना है, मतलब जाना है, आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन से पहले आप कॉलेज में बात कर लेते हैं कि सर हम क्लासेस नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम देना है, जो कि देखिए लीगल नहीं है, लीगल की बात नहीं हो रही, लेकिन कॉलेज वाले वैसे बहुत जगह मान जाते हैं, सिर्फ आप आकर एग्जाम दीजिए, बात खत्म, ठीक है। बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर आपने पहले से बात नहीं की तो कॉलेज वाले एक सेमेस्टर का 5,000-10,000 तक की पेमेंट लेंगे कि अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो आपको इतना रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत से बच्चों को लगता है कि अगर हम रोज क्लासेस करेंगे तो रोज भैया हमारा ऑटो का खर्चा, बस से जाना, बाइक से जाना, इतना तक है तो पेट्रोल लग जाएगा 1 महीने में, 6 महीने में 5,000 कौन सा ज़्यादा है। तो ये बच्चे देते हैं, अगर आप पहले से बात करके रखेंगे 1 रुपये आपका नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका फायदा होना चाहिए, बस हम ये जानते हैं। तो ये दोस्तों ये सारा प्रोसेस है, तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। व्हाट्सएप से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, नंबर लिख लीजिए 8738079216, 8738079216। एक और बात जरा देखिए, अगस्त में 3 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भैया नौकरी की बातें हो रही है, सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा करने की तैयारियों में जुटा भर्ती बोर्ड, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक दोबारा परीक्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। तो पेपर दोस्तों जब भी हो तैयार रखिएगा, ठीक है, तैयार रहना है मतलब। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, मिलेंगे एक और अपडेट में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा। आवेदन दोस्तों कब से शुरू होगा, आवेदन अब हमारा जुलाई में जा रहा है, ठीक है ना। क्यों लेट हो रहा है, क्योंकि दोस्त इनका जो मूल नोटिफिकेशन था जो पिछले सालों में हमेशा चलता आया हुआ है, उसमें थोड़े से बदलाव की बात हो रही है, ठीक है ना। ये सब बदलाव किया जा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा देरी हो रही है, देरी हो रही है, बढ़िया है। जिन बच्चों को रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट आ जाए तब तक, रिजल्ट नहीं आएगा तो आप आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।